अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का केस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में है। ये मेरे पास एक प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल अल्ट्रासाउंड के लिए आई है, 15 वीक्स की प्रेगनेंसी है जी, और इसके जो रिट्रो प्लेसेंटल एरिया में एक मैस बल्ज जो है ना वो अल्ट्रासाउंड पे आइडेंटिफाई हुआ है। एरो का जो निशान है उसे आप इसको वाजे देख सकते हैं। इसका जो टेक्सचर है वो यूट्रस की जो मायोमीट्रियम है उसके साथ मिलता जुलता है। तो ये बेसिकली फाइब्रॉइड के साथ आइडेंटिकल है, मिलता जुलता है फाइब्रॉइड के साथ, लेकिन ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि ऑन इट्स ओन रिजॉल्व हो जाती हैं। फॉलो अप स्कैन इस ऐसे पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं और तब जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना ये चली जाती हैं। अगर ये फाइब्रॉइड होता तो इसमें ये डॉपलर में जैसे अब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये फाइब्रॉइड में ये जो वेस्कुलरिटी ये मिनिमल होती, और अगर ये हीमाटोमा होता तो इसमें डॉपलर में वेस्कुलरिटी बिल्कुल ही शो नहीं होनी थी। ब्रैक्सटन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये नॉर्मल एक्टिविटी है। ये बाई 6 वीक्स थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है और सेकंड ट्राइमेस्टर से ये वाजे फील होती है जी, ठीक है। इसमें मायोमीट्रियल थिकनेस में ट्रांजिट चेंज होती है। बेसिकली इसका जो मकसद है वो फैसिलिटेट करना है ब्लड फ्लो को थ्रू प्लेसेंटा फीटस की तरफ। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस यूजली जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये स्टार्ट होती हैं जी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो ये यूट्रस के मसल्स जो है ना वो टाइटन होना शुरू हो जाते हैं फॉर 30 to 60 सेकेंड्स, और 2 मिनट तक भी ये होते रहते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये पेनलेस होती हैं जी, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और ये स्टॉप भी हो सकती हैं अगर जो है वो पोजीशन को चेंज कर लिया जाए, एक्टिविटी जो कर रहे हैं लाइक अगर चल रहे हैं तो रुक जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, पानी पीने से भी जो है ना ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये वाली स्टॉप हो जाती हैं। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है जी, इन कॉन्ट्रैक्शंस से बेबी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना बेबी को कोई हार्म कोई नुकसान इससे नहीं पहुँचेगा। तो ये पहले मैंने 3-4 चीज़ें जिक्र किया कि ये स्टॉप कैसे करते हैं चेंजिंग पोजीशन से, लाइक अगर आप चल रहे हैं एक्टिव हैं तो लेट जाएं, ठीक है जी, या वॉक पे चले जाएं अगर आप बैठे हुए हैं तो, और रिलैक्स करने से है गर्म पानी के साथ वार्म बाथ ले लें, मसाज ले लें, या फिर नींद कर लें, ठीक है जी। इसमें जो फीटस है वो आमतौर पर कॉन्ट्रैक्शंस के दरमियान उसकी मूवमेंट हो भी सकती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के दरमियान, या नहीं भी हो सकती, अगर हो और बहुत ज़्यादा भी जो है ना वो इसकी फीटस की मूवमेंट्स हो सकती हैं जी। मुझे उम्मीद है जी आपको आज का ये केस पसंद आया होगा, आपने ज़रूर इसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।